और ये भी रात के 2 बज रहे हैं और सब बैठे हुए हैं। अचानक से रिद्धि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो यार पता नहीं, मेरा ना 2 दिन से जलेबी खाने का इतना मन हो रहा था, कल रात को अरुण ने मुझे मंगवाने नहीं दी। अब मैं क्लिनिक से आई हूँ तो अब मैं बनवा रही हूँ पतली पतली गरम गरम जलेबी। और यार पता नहीं, परसों से जब वो एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट हुआ ना, तब से मेरी मतलब मेरे को अजीब सा ही हो गया है। और ये पतली पतली जलेबी तैयार। अरुण मेरे को कह रहे थे पासा तुझे दोबारा हल्दीराम जाना पड़ेगा, बट हमने यहीं पर हल्दीराम बना दिया है। ओहो रिद्धि खेल रही है थोड़ा, ये पर्स लटका के खेलता है कोई। अच्छा तो इनको याद आ गया कि इनको अपना पर्स उतारना है। और ये शाबाश, चल चल शेरू ए और ये रिद्धि के पापा खड़े होकर वेट कर रहे हैं कब चिड़िया आएगी। तो रिद्धि ना बिल्कुल जिद करके लेके आएगी, पापा खेलो मेरे साथ, पापा खेलो। अब हो गया? नो। जा रहा हूँ मैं थोड़ा घूम के आना, चल। नहीं मैं ये अब इनका गेम ओवर हो गया और उधर से आ गया कोई। हाँ आके अभी उतारा नहीं, पानी भी नहीं पिया और भाभी मेरे साथ खेल लो हैं। वाह हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनिंद्र 7 व्लॉग्स, जस्ट अनदर डे। एंड उपासना आज लेके आया, उपासना का ना कल से मन कर रहा था कि हम जलेबी खानी है तो उपासना लेके आए बिल्कुल। तो अरुण ने मुझे कहा था उपासना तुझे इतनी पतली पतली जलेबी नहीं मिल सकती, ठीक है, इसके लिए तुझे हल्दीराम जाना पड़ेगा। अच्छा कल बोला था या नहीं? बोला था ना भाई। ये पता है कि हम कई बार तो ना ऐसे ऐसे झूठ बोल देती है, मुझे भी नहीं पता होता। नहीं ये नहीं कहा था मैंने, ये कहा था कि जो पतली जलेबी है मतलब वो अच्छी हल्दीराम में मिलती है। तो उपासना आ गई है विद जलेबी। और जलेबी से मुझे कुछ याद आया, जो लोग भी नजफगढ़ रहते हैं ना, तो पता है मोती महल जो रेस्टोरेंट है, पता है तुम्हें? हाँ। क्या जो मोती महल रेस्टोरेंट उसके पास में है। पता सो डेड एंड्स है जो ये घर पे निकालते हुए। डेड एंड्स नहीं दे रही, मुझे बाउंसी बाउंसी पसंद है। तो मुझे जाके इतना समझाने में जितना टाइम वेस्ट होता है, उतनी देर में तो इंसान घर पे कर लेता है। ये तो वाली साइड पे मैंने कर लिया पूरी। अच्छा और ये भी रात के 2 बज रहे हैं और सब बैठे हुए हैं। अचानक से रिद्धि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, रिद्धि को उल्टियाँ हो रही है, पूरे बेड पे उल्टी उल्टी कर दिया रिद्धि ने। अब ठीक है बेटा तबीयत? अब कैसा लगा, अब ठीक लग रहा है? पूरा मुंह उतर गया बेटा का। okay, पूरे कपड़े, इसके कपड़े में ये वाले भी चेंज करो, इसमें भी गिर गया। हाँ सारी उल्टी गिर गई है, थोड़े कपड़े पहनाए मैं। अभी ये कुछ नहीं तो चौथी या पांचवी ड्रेस है, क्योंकि रिद्धि को जैसे ही उल्टी कर दे रही है फिर ड्रेस चेंज हो रही है, फिर सुला रही है मम्मी इतने, फिर उल्टी फिर उल्टी, पूरा मुंह उतर गया बेचारी का। और ये अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। एक्चुअली इसकी अभी ड्रेस चेंज की, उसके बाद इसने फिर उल्टी कर दी इस ड्रेस में, ये सारा यहाँ पे उल्टी वगैरह कर दिया था। तो अब इसको अभी ये उल्टी करके रिद्धि यहीं पे लेट गई, बोली अब नहीं उठ पाऊँगी। फिर यहीं पे दोबारा इसको दवाइयाँ दी, अब इनके पैर में तेल लगाया ताकि थोड़ा सा इसको रिलैक्स फील हो रही है, सो जाए। बिल्कुल शरीर ख़त्म हो गया एक ही बार में, पूरा शरीर कांपने लग रहा है इसका। टाइम हो रहा है 2:19। हम तो किचन में लेट गए, मम्मी तीसरी बेडशीट चेंज कर रहे हैं। मम्मी तीसरी बेडशीट चेंज कर रहे हैं, बेचारी मम्मी भी लगी हुई है, वो सारा कंबल अम्बल सब। अब दिक्कत सबसे बड़ी हो गई, अभी बज रहे 2:23 और हमें सुबह 8 बजे उठना था,
क्योंकि हमें जाना है कल चांदनी चौक, क्योंकि उपासना के ब्रदर की शादी है, एक मतलब शैंक के नहीं, एक और उनके ब्रदर है, उनकी शादी है, तो उनकी शॉपिंग करवानी है, वो दिल्ली आए हुए हैं वो, तो हम लोगों को जाना था चांदनी चौक कि वहाँ से जाके पूरी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि सुबह 8 बजे उठेंगे हम ताकि 10:30 तक हम लोग चांदनी चौक पहुँच जाएँ। पर अब नींद, अब हम लोग सो नहीं पाए, अब देखते कैसा होता है। मम्मी बेचारी तो वैसे 12 बजे से परेशान है, मम्मी ने सोचा कि वो लोग ऊपर सो रहे होंगे, उनकी नींद क्यों ख़राब करूं, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना, तो मम्मी बेचारी ने उठाया नहीं। बट लास्ट में जब इतनी ज़्यादा उल्टियां करनी शुरू कर दी रिद्धि ने, तब मम्मी लेके आई, अब जाएंगे सोएंगे। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू अरुणेंद्र 7 व्लॉग्स। और आज होगी है मॉर्निंग बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं, रात को यार रिद्धि भी बीमार हो गई थी और उस वजह से हम लोग प्रॉपरली सोए तो नहीं है। बट आज हम फिर से शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब आपको गेस करना है किसकी शादी है, दोबारा से वही शेरवानी एंड ऑल। और आज बन रहा है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा, आलू के परांठे, ठीक है, मम्मी ने बनाने थे मूली के, अरुण ने खाने थे आलू के, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। पति व्रता नानी बोली कि नहीं रहने दो, आलू के ही बना दो, सेहत के लिए अच्छा होता मूली का। तो मैंने कहा चलो, अरुण नहीं खाते यार मूली के और मैं खा लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। मिक्सर विक्सर रेडी कर दिया था, मम्मी कहते मैं बनाती हूँ, मैंने कहा नहीं बस 5 मिनट मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बना के खा लिया है, अरुण अभी नहा के आ रहे हैं, तो बस मैं उनके लिए वो कर रही हूँ भाई ये। और ये मैं बना रही हूँ लच्छे पराठे स्टाइल में पूरा। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग रिद्धि, तबीयत ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है अभी भी है, बुखार तो नहीं है ना, तबीयत ठीक है, अब तो दर्द नहीं है ना पेट में, तो एक्चुअली निकलना हमें चांदनी चौक, मैं और उपासना हो गए हैं रेडी, और रिद्धि कल रात से हो गया हमारा फटड़। क्या हुआ बेटा, शाबाश, उठ जाओ, उठो उठो, बैठो, उठ को एक बार बैठो, एक बार उठ के बैठो, एक बार उसको रहने दो, रहने दो, सोने दो। बिल्कुल यार हिम्मत नहीं हो रही, कल बहुत ज्यादा परेशान रही है, हम भी यार 2:30-3 बजे सोए हैं, और उसको आज जब पानी ज्यादा पीना और नींबू पानी, ठीक है, आज जब शाम को आए तो बिल्कुल एक्टिव फिर शूट करेंगे, ठीक है, पक्का डन, प्रॉमिस, बाय बाय, बाय कर दो, बाय। तो हम निकल चुके हैं एक बार फिर से शादी की शॉपिंग में। अरुण कह रहे हैं कि यार एक बार से मेरा मन नहीं भरा, तो क्यों ना दूसरी बार शादी के जाए। मैं कह रहा हूँ कि बल्कि ना एक यार ये इवेंट वगैरह की फ्रेंचाइजी ले लो, जो शादी वादी करवाते हैं ना, तो चांदनी चौक की नॉलेज तो इतनी हो ही गई है, ठीक है, तो बढ़िया अपना घूमने का घूमने हो जाएगा। और पता है ये ना स्पेशली किस चीज़ के लिए आई है, मतलब 3 दिन पहले डिसाइड हुआ था, और वो गोलगप्पे खाने किनारी बाजार वाले, और वो गोलगप्पे खाने हैं, एंड वैसे कैरी और कैरी पानी भी पैक करा के लाऊंगा यार, सारा इल्जाम मेरे पे आता है, कैसे बातों से बदल जाती है, चेहरे पे ना शिकन ना कोई, वो वही तो बात है, बिल्कुल ऐसे बातों से ऐसे वो लोगों को समझ आ रहा है कि किसने बोला होगा, बातों से ऐसे बदल जाती है, कई बार लगता है सरकार हो क्या। और ये अभी अभी न्यूज़ आई है कुछ कि तलाक के बाद पत्नी देगी पति को हर महीने गुजारा भत्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। तो मैंने अरुण को बोला अरुण चाहिए, तो पहले उसके लिए पता ये लेना पड़ेगा पहले भाई, ये ना बिल्कुल पक्की है, पता है एक टाइम को ना मतलब मजदूर को भी ज़्यादा वो मिलता है गुजारा भत्ता, मुझे महीने का उतना गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जाता है, और ऊपर से ना उस पर GST लगा देगी, ठीक है, और आप लोगों को बस लगता होगा देखने में, छुट्टी काटना छोड़ो, ठीक है, अब जब एक साल पूरा हो जाता है तो ITR भरने को भी कह देती है, कहती इस महीने ज़्यादा मिले थे तुम्हें ITR भरनी पड़ेगी, ITR मुझे इसी के पास भरनी पड़ती है, मेरा CA भी यही होता है, तो इस ऐसे मेरा गुजारा हो रहा है मेरा, ठीक है, हमने जो तुमसे गुजारी ना जाए हमने वो जिंदगी गुजारी है, जॉन एलिया, शायर जॉन एलिया। पर यार आप लोग उसमें देखना Spotify में जाके उनका इंटरव्यू सुनना पूरा, मैं भी दिखाती हूँ।
मैंने शेयर वेयर ज़्यादा किया नहीं। टेडएक्स पे मेरा पॉडकास्ट था द आर्ट ऑफ राइटिंग। स्पॉटिफाई पे आप सर्च करोगे ना टेडएक्स SRCC है शायद, टेडएक्स वाई SRCC। तो ये है स्पॉटिफाई पे और बहुत अच्छा इंटरव्यू है और इसका ट्रेलर जो है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ब्लूटूथ कनेक्ट करके और चला रखा था और ये लग रहा था कि आवाज़ इसमें भी आएगी फोन में जो इन्होंने वीडियो दिखाई है, इसीलिए वीडियो नहीं आई क्योंकि इन्होंने ब्लूटूथ कनेक्ट करके और ये अपने कानों में ऐसे लगा रखा था। एंड देर आर फ्यू मोर थिंग्स विच आर कमिंग अप, अभी मैं वो रिवील नहीं करूँगा। तो हम पहुँच गए राजीव चौक, यहाँ से अब जाएंगे चांदनी चौक। अभी राजीव चौक पे सिद्धार्थ हमें मिलेंगे। तो इस वाले व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ बोलेंगे। यार ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। और कल वाला व्लॉग जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि अरुण दोबारा शेरवानी पहनने वाले हैं यार। सो हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को किसी भी तरह के हेल्थ रिलेटेड इशू है, आप किसी की शराब छुड़वाना चाहते हैं, PCOD ठीक करना चाहते हैं, माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पाइल्स, पिंपल, एक्ने, स्कार मार्क, चेहरे पे ग्लो नहीं है, डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, वेट लूज करना चाहते हैं या वेट गेन या हाइट को लेकर कंसर्न है, तो जो ये नंबर दिया गया है आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।